राम राम दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ना आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर इससे अच्छा वीडियो आपको अगर पूरे YouTube पर मिल जाए ना तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बता दें, मैं अपने इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा। अगर दोस्तों कोई मेरे से अच्छा ही पढ़ा रहा ना तो मेरे को YouTube पर आने का मतलब ही क्या। तो दोस्तों हम अपने इस वीडियो को हटा देंगे, ठीक है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा, एक बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं ना, मैं आपको वैसे के वैसे पढ़ाऊँगा। आपको ना हर चीज़ समझ में आ जाएगी और हर चीज़ मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा, जैसे एक छोटे से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं ना वैसे पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये दोस्तों निफ्टी फिफ्टी की ऑप्शन चेन, और दोस्तों आपको ये ऊपर जून 1, जून 8, जून 15 ये दोस्तों एक्सपायरी है, इस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, पूरे प्राइजेस जीरो हो जाएंगे, मतलब पूरे खत्म हो जाएंगे, और उस दिन ये जून 8 का इधर आ जाएगा। और दोस्तों ये इधर OI है, दोस्तों OI सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये भी एक स्ट्रेटेजी है, एक खतरनाक स्ट्रेटेजी, इसकी एक्यूरेसी ना बहुत खतरनाक है। तो आज हम केवल प्राइजेस पर बात करें, और दोस्तों ये आपको इधर ही कॉल प्राइस और ये पुट प्राइस दिख रही होगी। दोस्तों मैं आज तो आपको ऊपर ऊपर बता, लेकिन दोस्तों मैं कॉल और पुट पे ना एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, वो वीडियो अपना बिल्कुल यूनिक होगा, आपको और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम कॉल कब लेते हैं, जब दोस्तों हमें लगता है ना कि मार्केट तो बढ़ेगा तो हम दोस्तों कॉल लेते हैं, और दोस्तों हम पुट कब लेते हैं, जब दोस्तों हमें लगता है कि मार्केट घटेगा। अभी दोस्तों आप बस इतना याद रख लो, ठीक है। दोस्तों अब दोस्तों मार्केट में तीन चीज़ें और होती है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ठीक है। दोस्तों ये मान लीजिए प्राइस हमारी 18499 पर है इस वक्त, ठीक है दोस्तों। तो पुट की साइड में ये सारी चीज़ें क्या आई है हमारी, इन द मनी, और ये पुट की साइड ये ऊपर की सारी चीज़ें हमारी क्या है, आउट ऑफ द मनी, और ये जिस वक्त प्राइस चल रही है वो है हमारा एट द मनी। तो दोस्तों इससे ऊपर की सारी कॉल साइड की ये क्या है, इन द मनी, ठीक है दोस्तों, और ये सारे हमारे क्या है, आउट ऑफ द मनी, और ये हमारे क्या है, एट द मनी। अब देखिए दोस्तों आपको ये समझ के चलना है कि आज हम ऑप्शन बायर है, इसके बाद में आपको सेलर की नज़रिए से भी बताऊंगा, आज हम ऑप्शन बायर है। दोस्तों ना आपको ये पूरी ऑप्शन चेन एक बटर की तरह समझना, मतलब ये पूरी ऑप्शन चेन एक दही है। अब दोस्तों मान लीजिए मार्केट बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, एक नज़रिया लेके चलना है कि मार्केट ना आज बढ़ेगा, ठीक है। अब जब मार्केट बढ़ेगा ना तो ये 18499 से 18500 पे आएगा, 18550 ऐसे मार्केट चलता जाएगा। अब ये सारा दही है, अब जब मार्केट ये सारा दही है ना तो ये मार्केट जब ऐसे बढ़ता जाएगा ना तो ये सारी प्राइजेस ना ये घी निकलता जाएगा इधर से, ये घी निकलेगा जब मार्केट ऐसे बढ़ता जाए और ये घी इधर से निकल जाए, और जो छाछ है ना वो छाछ भाई इधर से निकलेगी पुट साइड से, जो भी छाछ है वो सारी इधर से निकल जाएगी। और दूसरा एग्जांपल ले लो कि दोस्तों मान लीजिए अपनी गड्डी है और गड्डी आगे चल रही है 18499 से 18500 अपनी गड्डी भाई आगे चलती जा रही, तो गड्डी की धुआँ है ना वो इधर से निकलेगी भाई, इधर से पुट साइड से धुआँ निकलती जाएगी, पुट की प्राइजेस जीरो हो जाएगी। अब जो दोस्तों आउट ऑफ द मनी की प्राइजेस है ना वो तो हो जाएगी जीरो, और इन द मनी प्राइजेस में ना थोड़ी बहुत प्राइजेस बच जाएगी, क्योंकि दोस्तों उनकी जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो बची रहेगी, और जो केवल मात्र वो है ना टाइम वैल्यू वो ही खत्म हो गया। अब दोस्तों मैं इससे अगले वीडियो में आपको बता दूंगा इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मार्केट बढ़ेगा ना तो इनकी प्राइजेस कितनी खत्म हो जाएगी और कितनी बचेगी। दोस्तों वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मैं आपको ना इनमें से क्या लेना है, इन द मनी लेना है या आउट ऑफ द मनी। अब दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट घटेगा, अब दोस्तों जब मार्केट घटेगा ना तो 18450 से 18400 पे जाएगा, 18350 पे जाएगा, जैसे मार्केट घटता जाएगा, तो मार्केट घटेगा ना तो ये पुट की प्राइजेस बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। और जो ये इधर ये छाछ पड़ी है ना ये सारा घी बनता जाएगा, ये 50 रुपये 100 हो जाएंगे, ये 39 रुपये 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ऐसे जैसे मार्केट बढ़ेगा ना ये सारा बस माल घी बन जाएगा इधर, और ये इधर से छाछ बनती जाएगी, ये सारी प्राइजेस कम होती जाएगी दोस्तों। अब मान लीजिए हमारी गड्डी जा रही है ना तो धुआँ इधर से निकलेगी, बायर को ना इस धुएँ में हाथ देगा ना तो उसका दम घुट जाएगा, तो उसे हाथ अपना हमेशा इधर ही रखना। अब दोस्तों आपको लेना क्या है, दोस्तों आपको हमेशा अगर मार्केट घटेगा ना तो आपको दोस्तों हमेशा इन द मनी लेना है, ये वाली प्राइस, लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपको हमेशा ये इधर से इन द मनी लेना। दोस्तों इधर तो हाथ ही नहीं मारना, ये इससे तेज मूव दे देगा लेकिन वो 100 दिन में से एक दिन देगा और बाकी दिन तो ये लॉस ही कराएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन द मनी लेना, आउट ऑफ द मनी क्यों लेना, लॉजिक से इससे अगले वीडियो में बता दूंगा, और वो वीडियो भी अपना यूनिक होगा भाई।
लेकिन दोस्तों मान लीजिए मार्केट कहीं नहीं जा रहा, एक जगह पे खड़ा है, तो दोस्तों जब मार्केट एक जगह पे खड़ा है ना, तो इनकी सारी टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और जो इंट्रेंसिक वैल्यू है ना वो ही बचेगी, सारी प्राइजेस ख़त्म हो जाएगी, बस ये वाली प्राइजेस है ना इनमें से बचेगी। अब दोस्तों इसी अगली वीडियो में बता दूंगा कि प्राइजेस कितनी टूटेगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सेलर के नज़रिए से। अब दोस्तों मान लीजिए कि हम ना एक सेलर है, ऑप्शन सेलर, ठीक है दोस्तों। अब जो भी ये एट द मनी ATM है ना, ये तो दोस्तों सेम रहेगा सबके लिए भाई, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ये मैं सब लिख देता हूँ आपके लिए। अब दोस्तों मान लीजिए मार्केट बढ़ेगा, एक साइड लेके चलते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जब मार्केट बढ़ेगा ना, तो इधर का सारा माल तो घी बन जाएगा और इधर से सारा माल छाछ बन जाएगा, लेकिन दोस्तों उसको कोई मतलब नहीं है। तो सेलर को ना छाछ ही चाहिए, उसे घी नहीं चाहिए, वो छाछ में ही कुछ है। तो दोस्तों सेलर ना, सेलर को जब लगता है ना कि मार्केट बढ़ेगा, तो दोस्तों सेलर ना पुट लेता है, क्योंकि उसे पता है कि पुट की प्राइजेस कम होगी। अब दोस्तों अगर सेलर को लगता है कि मार्केट घटेगा, तो दोस्तों सेलर को कॉल ले लेता है। दोस्तों सेलर को नहीं, 64 रुपये जीरो होंगे ना, उसको बस ये 64 रुपये ही चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो छाछ में ही कुछ है। वो दोस्तों धुआं है ना, धुआं, वो धुएं में भी कुछ। अब दोस्तों मान लीजिए सेलर को लग रहा है कि मार्केट बढ़े, तो इधर से पुट ले लेगा, उसे पता है कि गड्डी आगे जा रही है ना, तो ये धुआं इधर निकलेगी, ये छाछ इधर निकलेगी ना, तो वो छाछ में कुछ है, तो वो इधर से ले लेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट साइड वे में ये कहीं ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो फिर भी दोस्तों सेलर को तो प्रॉफिट होगा ही, उसे पता है कि टाइम वैल्यू इन सबको ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों वो सेलर ना ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी जाता है, इन द मनी में यहाँ तक ही जाता है, वो ज़्यादा इन द मनी नहीं जाता है दोस्तों। उसे ना बस छाछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसे, तो साइड वे मार्केट में भी सेलर को प्रॉफिट ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।